हेलो फ्रेंड्स तथास्तु फैमिली में आप सबका स्वागत है आज हम आए हैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल फिगर के पास ऐसा बहुत कम होता है कि इंसान जीवन में बहुत सारी परेशानियां झेले और उसके बाद खुश भी लगे नुमा भी हो और उसके साथ आपको मिल के खुशी भी मिले तो आज मैं एक ऐसे टॉपर के पास आई हूँ एक ऐसे मतलब तो मेरी नज़र में नहीं 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 शायद नंबर वन सूरज जू वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम तथास्तु फैमिली थैंक यू सो मच आपने एक आ, एक नया कुछ करके दिखाया है है sure. ना कमी बहुत लोगों के पास होती है जीवन में और शायद आपसे बहुत बहुत ज्यादा कम कमियों वाले व्यक्ति हताश हो जाते हैं है hmm. ना बहुत सारी जिनके पास बहुत सुविधाएं भी हो ना कई बार वो एस्पिरेंट्स हताश हो जाते हैं hmm. तो आप एक ऐसे इंस्पिरेशन हैं जब भी कोई आपको देखेगा जब भी कोई आपसे बात करेगा तो उसे ये बात का रियलाइजेशन होगा कि आ, कमी दूसरी चीज़ है लेकिन हाँ करेज एक अलग चीज़ मैं, है मैं, अगर हम अपने मन में ठाल लें कि हाँ करना है हम कैंपस आने के के बाद बाद मेरे एक्सीडेंट तो एक्चुअली आपको बताऊँ सब कोई रास्ते बचे नहीं थे तो एक सर्टन वे चाहिए थी जिससे कि अपना फ्यूचर को मैं अपना आगे ले जा सकूं जे एन यू ही एक अकेला ऑप्शन था जे एन यू के मौका मैंने पहला एंट्रेंस दिया उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ देन मैंने दोबारा से जे एन यू का एंट्रेंस दिया सेम ईयर और सिलेक्शन हो गया मैंने सर ट्वेल्थ में मैं सी बी बोर्ड से फेल हुआ तो मैंने यूपी बोर्ड से दोबारा ट्वेल्थ कर लिया मैं पहली बार मैंने प्ले दिया उसमें फेल हुआ मैंने दोबारा प्ले दिया मैं उसमें पास हो गया <laughs> तो चैलेंजेस तो, 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 तो आते हैं लेकिन अगर हार गए और ये मन में बैठ, बैठा लिया कि हम हार गए तो हम हकीकत में हार गए और जब तक ये मा अब अब ये मान लेंगे कि नहीं आप हार ही नहीं सकते कितना जाएंगे हम हाँ मैम मेरे अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ हाँ आप भी फिलासफ़ी के टीचर हैं और मैं थोड़ा फ़िलासफ़ी में भी बिलीव रखता हूँ मैं जब भी आके बंद करता हूँ और इस ईश्वर से जब बात करने की कोशिश करता हूँ उनसे यही पूछता हूँ कि ये जीवन क्यों है मैं क्यों आया मेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी जैसी भी थी जो भी कंडीशन के साथ मैं अपना दे रहा था अचानक से हादसा हुआ और मैं बिल्कुल ज़मीन पर आ गया और उसके बाद में आज मैं उस ऊंचाई पर बैठा हूँ जो कि मैंने खुद से बनाई है और जिसे भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या सामान्य हुए मैंने मैम जाना कि ईश्वर ने मुझे दिखाया है कि दुख एक सीमा तक होता है उसके आगे उस दुख नहीं होता है और जो सक्सेस है उसकी भी एक लिमिट है तो शायद अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर ही तो अभी लिमिट मुझे नहीं पता है अभी मैं सीख ही रहा हूँ लेकिन उस दुख से और इस सुख से मैं खुश हूँ मैम लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ मेरे अंदर ये नहीं कि अब मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए ये भी चाहिए ये भी चाहिए जो मुझे मिला है मैं खुश हूँ और आगे मैं सीख रहा हूँ और जो भी और कुछ सीखने के लिए मिलेगा मैं कोशिश करूँगा उसको भी अच्छी छत जाएंगी जी वो पता है परेशानियाँ आती है जी लेकिन आप देखोगे ना अक्सर लोग पता कैसे हो जाते हैं अब बुस

उनको किस चीज़ की कमी महसूस होती है लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो कमी महसूस होती है ना वो एक अपने पे विश्वास की है ना आपने दिखाया है जी मैम जी और अपने से विश्वास की कमी तो एक होती है और मैम सबसे बड़ी आ, चीज़ ये होती है कि जो कोई भी एस्पिरेंट हो या कोई भी हो एस्पिरेंट ना भी हो एक नॉर्मल सिटीजन हो हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमेशा दूसरों को देखते हमेशा मैम आपने ये नहीं किया आपने मैम ये खोल लिया आपको मैम और थोड़ा ये करना चाहिए वो करना चाहिए मैं ये नहीं देखूंगा कि मुझे क्या करना और जिस दिन हम अपने आप को देखने लगेंगे अपने रास्ते खुद बनाने लगेंगे तो आप यकीन मानिए कि वो रास्ता सिर्फ आपका नहीं है आपके पीछे लाखों लोग हैं जो उस रास्ते को फॉलो करने वाले हैं अरे आप अभी ना आपके रास्ते को बहुत लोग फॉलो जी मैम जी ये एक ऐसी इंस्पिरेशन है कि जब एक आदमी राह बना देता है ना जी तो उसके बाद बाकी लोगों में ना विश्वास जुमता है भी हमारे ऐसे दोस्त है जो जिनके अंदर किसी के तरीके की आज आपने ना उनको एक राह दिखा दी यार डिसेबिलिटी अपनी जगह है लेकिन अगर इंसान कोशिश करे हिम्मत बनाए रखे तो वो सफलता को पा सकता है बिल्कुल तो आप ये जो है ना हमारी ये जो मैसेज है ये भी उन बच्चों के लिए है कि हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल है ना एक बार बता दीजिए उन लोगों को कि हिम्मत नहीं हारनी है कैसे भी हिम्मत तो हाथ नहीं, नहीं है दिक्कतें आएंगी चैलेंजेस आएंगे और हम लोग में चैलेंजेस जब आते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उनको अपने आप को बचाने बचाते हैं कि हमसे कैसे होगा सिलेक्शन होने के बाद में बहुत सारे कैंपस के बच्चे और बाहर से ही बच्चे आए उनका ये यही सवाल था कि आपने एमए करते हुए बैचलर करते हुए जे निकालते हुए यू कैसे निकाल दी तो मैंने उनको बताया कि मैंने अपना रास्ता खुद बनाया मैंने अपना टाइम शेड्यूल बनाया मैंने अपना स्ट्रेटजी बनाया मैंने अपना पीयर ग्रुप ऐसा बनाया कि बस मुझे वही लोग मिले जो कि मेरी प्रोफेशन में काम दें मुझे अगर मेरे दोस्त मिले तो वो मुझे करंट अफेयर्स की दो बातें बता के ही जाए ऐसा मेरा पेयर ग्रुप बना रहा है और मैम ये मैंने अपना खुद से रास्ता बनाया अब बहुत से बच्चे आते बोलते हैं कि सर ट्रिक बता दीजिए कि दोनों कैसे करें तो <laughs> मैंने बोला भैया अपना ट्रिक आपको खुद बनाना होगा मुझे आप बिल्कुल फॉलो मत करो मैं यही कहता हूँ कि मैं दुनिया को ये बता रहा हूँ कि अपने रास्ते खुद से बनाने हैं और मैंने अपना ये रास्ता बनाया मेरी कंडीशन अलग है मेरे चैलेंजेस अलग थे तो मेरा रास्ता ये साफ आपकी कंडीशन अलग है आपके रास्ते अलग हैं आप अपना रास्ता खुद बनाइए और मैम रास्ता अगर अच्छा होता है नियत साफ़ होती भगवान पे भरोसा होता है तो मंजिल ज़रूर साफ है मैम जरूर मिलती है मिल नहीं जाती नहीं मिलती ही है जी मैम बहुत बढ़िया नहीं ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते यहाँ पे एग्जाम दिया है मतलब मेरी भी जो पहल है वो यही है कि बच्चा ना ऐसे खाली हाथ ना जाए ये और ये यूपीसी की तैयारी ऐसी अनप्रडिक्टेबल हो गई है ना ये वाला मतलब देखा हमने कितना अनप्रडिक्टेबल हुई है तो ऐसे अनप्रडिक्टेबल माहौल के अंदर इस बार का तो पेपर भी मैम आपने देखा होगा आपने तो देखा अलग सा है और सी तो मैं मेरा इंटरव्यू चल रहा था जब साढ़े पाँच बज रहे थे संडे का बात है तो एक बच्चे है जी की है जी मेरी जूनियर है वो आई मेरे पास और आके यहाँ बैठी और पेपर रखा और एकदम जैसे आपने बोला ना कि एकदम आयु से बच्चे हो जाते हैं उस तरीके से आके बैठी वो और बोले कि भैया पेपर देखो तो मैंने पेपर देखा हाँ, फिर मैंने पेपर रखा मैंने उसको पानी पिलाया उसके लिए मैंने फिर चॉकलेट मंगाई मतलब कोई बात नहीं हम लोग फिर से एक मिनट बना रखो फिर से एक शुरुआत करते हैं अभी कोई बात नहीं आप एग्जाम दे के आए हो शाम को खाना खाओ सुबह आराम से इसको चेक करना जो जहाँ जहाँ मिस्टेक्स की है उनको एनालाइज करना है और फिर उन पर काम करना है आपको अपना क्राइटेरिया सेट करना है कि आपको क्या चाहिए मुझे पता है सर कि मैं पर्सन में डिसेबिलिटी हूँ मेरे क्राइटेरिया बहुत छोटे हैं मुझे 200 से 200 हंड्रेड में मैम ओनली 60 टू 70 के बीच में मार्क्स चाहिए तो मैम मैं 100 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन क्यों करूँ सही ना मेरा सिक्सटी टू सेवेंटी सिलेक्शन हो रहा है तो मैं उतना ही अपना प्रिपेयर करूँगा और मैंने वही अपना स्ट्रेटजी बनाया मैं हर एक्सपेरियंट से कहता हूँ कि आप ये देखिए कि आपको क्या चाहिए और आपके पास क्या है और जिस चीज़ की कमी है हमें उतने पे ही काम करना है यू पी के लिए जनरली लोग बोलते हैं आप नॉर्मली आप जाइए किसी से बोलिए कि मेरा मन है कि मैं यू करना चाहता हूँ तो सबसे पहले पर्सन आपको ये बोलेगा कि पाँच साल का समय है आपके पास सबसे पहली बात जो बच्चा ऐसे ही आ जाता है ना बिना डिग्री करने या कुछ करे वो फिर वो कहता है और इतना समय भी लग गया तीन साल हो गए दोस्त लग गए वहाँ पे नौकरी में वो पढ़ाई कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यूपीएससी में बार साल होता बार जा रहा हूँ तो पढ़ाई के साथ करें दर्थास्तु पे करें कहीं और करें जहाँ तो से करें लेकिन पढ़ाई करते करते बी करते करते ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात कभी एक 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 से कि जब मैं जेनयू आया तो जेनयू मेरा जिसमे बी एर एम ए हम साथ में पूरा करते हैं रशियन लैंग्वेज में तो मुझे पता था कि पाँच साल के बाद मैम एम के बाद में डायरेक्ट मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा है उसके लिए मुझे नेट जा रहा है फिर निकालना होगा और उसके बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब कहाँ आएगा कहाँ लगेगा और फिर फिर पीएचडी में पाँच साल और है ना और फिर मैम मुझे जॉब चाहिए मेरी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है वो तो मैंने टारगेट सेट किया कि पाँच साल में कैंपस से निकलना है बैग लगाना सीधा लवासना के लिए पैकिंग करनी है ये टारगेट लेके मैम मैं चला आई और मुझे करना ही था हर हालत में क्योंकि इसके बाद में मेरे पास कोई रास्ता नहीं है लेकिन बी प्लान भी होना जरूरी है तो नेट जी भी नहीं छोड़ सकते थे तो उसका भी मैंने साथ साथ प्रपेशन उसका भी रखा और मेरे इंटरव्यू से पहले चौबीस अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था उससे एक महीने पहले मेरा जे का रिजल्ट आया उसमें सर सेलेक्शन हुआ मेरा बी प्लान मेरे पीछे खड़ा हुआ फिर इंटरव्यू के लिए मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया और इंटरव्यू में बहुत अच्छा गया पैनल मेंबर्स

मैं अक्सर उनको ऐसा बोलती हूँ यार इतने की बस किस बात के लिए दुखी हो पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर लो बिल्कुल उसको उसका बर्डन है पता एक बड़ी परेशानी है मुझे महसूस होती है कि पढ़ना समझाते हैं जी जी पढ़े बहुत कम रहे हैं। हाँ ये ना बोझ नहीं रहे हैं। मैं... के पढ़ना है पढ़ना Actually, है मैं पढ़ना भी नहीं है हमारे यहाँ का सिस्टम एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से जो बच्चे समझ पा रहे हैं कि उनको एक पेपर चाहिए जिसपे लिखा हो कि नाउ यू आर पास और क्वालिफाइड एग्जेक्टली जो जो है वो बता रहा हूँ बिल्कुल वो उसके पीछे की जो मेहनत है ना कि वो नहीं करना पढ़ाई करो, आपको टेस्ट लिखना है, आपको करनी करना है ना वो चाह रहे कोई ना चमत्कार सा वो आशीर्वाद मिल जाए लोग बोलते मतलब ने मुझसे ये भी सवाल किए की भैया कौन कौन सी किताब आपने पढ़ी तो मैंने बोल बोला कि बाबू हमने किताबें नहीं पढ़े हमने लोगों से शिक्षा ली है हम लोगों से ज़्यादा मिले हैं मेरी अपनी स्ट्रेटजी रही है मैं मैम हर बच्चे को यही बताता हूँ कि आपको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनानी है मैं कैंपस में हॉस्टल में रहता हूँ मेरे पास सर दो ही काम है एक स्टडी करना और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना चौबीस घंटे सबके पास है मेरे पास है मैंने उन्हीं चौबीस घंटों में पूरा प्रॉपर शेड्यूल बनाया कि मुझे रशियन लैंग्वेज को भी पढ़ना है न्यूज़पेपर भी डेली दो घंटे देने हैं और सोशोलॉजी ऑप्शनल है उसको भी ले चलना है और जी का भी प्रपेशन करना है तो सबका एक टाइमिंग फिक्स किया कि हाँ नाइन टू वन तो सेंट्रल का टाइम है ही उसके बाद में एक से दो तो खाना खाना है और दो से तीन आराम करना है क्योंकि बॉडी को रिलेक्सेसन बहुत ज़रूरी है तीन बजे उठना है न्यूज़ उठाना है पाँच बजे तक न्यूज़पेपर कम्प्लीट किया फिर बाहर गए चाय पी के आए दोस्तों से मिले छः बज गए फिर छः बजे सोशोलॉजी उठाई और घंटे दो घंटे आठ साढ़े आठ बजे तक सोशलॉजी पढ़ी फिर खाना खाया फिर आराम से घर पे बात करना है दोस्तों से मिलना है दस बजे फिर बैठ के पढ़ने के लिए फिर जो भी पढ़ना हुआ दो बजे तक ढाई बजे तक पढ़ें फिर गए। ये मतलब मेरा जनरली रूटीन रहा है जी जी जी, जी मैम तो जैसे नहीं मन किया तो ऐसा नहीं कि आज अगर न्यूज़पेपर नहीं फॉलो कर पाए छूट गया तो मैं टेंशन नहीं लेता कोई बात है छूट गया छूट गया अगले दिन का देखेंगे नहीं नहीं इतना मुझे लग नहीं रहा आपकी मेहनत मुझे साफ नजर आ रही है भाई जरा हल्का सा कैमरा घुमा के दिखाओ हमारे सूरज की मेहनत अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि यूपीएससी एग्जाम ऐसे ही निकल जाता है तो ये देखो दीवार पर भी दी क्या क्या लिखा हुआ है दीवार पर प्रैक्टिस हुई है वो पेंट करा दिया क्या किसी ने या, ये मैं चार्ली चैम्पन का एक स्पीच है चार्ली चैम्पन तो आप जानते होंगे तो उन्होंने जो टिकटर मूवी है के जो किया हा, हा, है। तो इसमें उन्होंने एक एंड में एक स्पीच दी है है ना मैं हिटलर से इंस्पायर बिल्कुल नहीं हूं <laughs> लेकिन वो स्पीच मुझे काफी अच्छा लगा तो वो स्पीच काफी अच्छा है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है तो एक सोसाइटी को एक ह्यूमैनिटी का मैसेज है पूरी स्पीच में तो मेरे ऐसे मन में आया तो मैं भी बैठा हुआ था मैंने मार्कर उठाया और लिखना सुन पिया और पूरा लिख दिया मेरे वो तो बोले कि क्या हो गया, क्या जा रहा है और जो सही रहता और मेरे मन में है तो मैं वो काम कर देता हूँ तो जिंदगी है हाँ मैम बिल्कुल मुझे पता ही ना तो होगा जो करने का मन है वो भी नहीं किया बिल्कुल बिल्कुल मैम बिल्कुल अब जैसे YouTube का आप लोग चाय लीजिए सब लोग को

यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है ना हमारा अक्सर कुछ भी हुँ, हुँ, हमारे साथ थो, थोड़ी सी जीवन में परेशानी आ जाती है ना तो सबसे पहला सवाल हमारा होता है कि हमी क्यों हमी क्यों तो कभी ऐसा सवाल आया और तो आपने कैसे किया सवाल एक बार नहीं हजारों बार आया और जवाब एक ही था कि ऊपर वाला कुछ ही लोगों को चूज करता है उसने मुझे चूज किया और जब ऊपर वाला किसी को चुनता है तो रास्ते आसान थोड़ी बनाता है राम को राम हम इसलिए नहीं बोलते कि वो एक राजा के यहाँ पैदा हुए उन्होंने चौदह साल वन में संघर्ष किया इसलिए आज हम उनको राम बोलते हैं बिल्कुल सही ना मैम तो चैलेंजेस आते हैं और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अब तो मेरा ना रहना रहने से ज्यादा बेहतर है हम सभी के जीवन में ऐसे ऐसे कभी मोमेंट्स आते हैं हमारे पास सर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती फिर भी हमको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम हार मान लेते हैं हम आए दिन हम न्यूज़ पेपर को फॉलो करते हैं यूपीएससी पी एस के प्रप्रेशन में करना ही पड़ता है हम देखते हैं कि आ, किसी सिविल इंजीनियर ने ट्रेन से कूद के जान दे दी या कोई गंगा जी में कूद गया या उसने सुसाइड कर लिया और जब उनका बैकग्राउंड आता है तो मालूम होता है वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं अच्छे एजुकेटेड है अच्छी जगह पोस्टेड है फिर भी वो हार जाते हैं अपनी ज़िंदगी से ये बहुत क्यों मैं मेरा मैम यही तो मेरा एक पहला गोल था कि सोसाइटी में पहला मैसेज तो यही देना है कि हारना नहीं है कुछ भी हो जाए एक हारना नहीं है अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है हम आज देश और दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं चाहे है वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो या फिर हमारे कल्च कल्चर के फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो आज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जो यूथ है हमारा वो थोड़ा सा घबराया हुआ है कि उसको एक उम्मीद नहीं दिख रही है तो मेरा बस यही था कि मैं उसमें एक जोश देना चाह रहा था और मैंने दिया भी है आज पूरा हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा मुझसे मोटिवेट है और मेरा वो सबसे यही कहना है कि मैं अकेला सूरज हूँ मैंने एक रास्ता बनाया है आप एक करोड़ लोग हैं आप एक करोड़ रास्ते बनाइए और एक करोड़ तरीके से भारत का नाम रोशन किया देखो ये ना सिविल सर्वेंट की लाइन ही हो सकती है क्योंकि आंसर की कंक्लूजन में भी ऐसे लिख कर आए थे क्या क्योंकि ऐसा कंक्लूजन लिख दो ऐसा ऐसे लिख दो तो मार्क्स ऐसे आए हैं मुझे में <laughs> आ मार्क्स में बहुत एक जी एस थ्री का पेपर था उसी में मेरे मार्क्स हैं बाकी मेरे ओवरऑल हंड्रेड के आसपास ही है और एथिक्स में मेरे हंड्रेड से ज्यादा है एस 100 में ज्यादा है और सोशोलॉजी के दोनों ऑप्शन में मुझे दुख है मैम एक्चुअली क्या है फिलोसफी का जो सिलेबस है ना वो ज्यादा था वो कहने सोसलो, सोसलो, का मैम बहुत थोड़ा लगा वैसे सिलेबस का देखा जाए बराबर ही है लेकिन टेक्निकल एरिया जो सोशोलॉजी का वो कम है जिसमें हमको टेक्निक सीखनी होती है और राइटर्स ये भी हो सकता है मुझे इतना जानकारी नहीं है उस मामले में लेकिन सारे अच्छे होते ना, पढ़ने के बाद आती है वो मुझे ना अपने बिना फिलोसफी पढ़ी नजर आ रही है ये ना अक्सर वरना जो फिलासफी वाले टीचर्स होते हैं या फिलोस के स्टूडेंट्स होते हैं ना अक्सर वो हमेशा कहते हैं यार हम तो इसलिए कर रहे थे या फिर जो भी मतलब तो ये सारी चीज़ें आपकी उससे मैच आती है खेर आप कभी फिलासफ़ी पढ़ेंगे तो रियलाइज होगा मैम एक्चुअली क्या कि वो तो एक डिस्कोर्स है मैं, मेरा काफ़ी मन भी होता है कुछ यूट्यूब पे लेक्चर है कुछ हमारे फेमस टीचर्स हैं उन्होंने अपने लेक्चर डाले ही हुए हैं तो मैं जनरली उनको फॉलो करता रहता हूँ तो इतना नहीं पता है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फिलोसफी मुझे पता है और जो भी मुझे पता है जो भी थोड़ा पता है मैंने उससे सीखा है मैम कि जो भी हम पढ़ते हैं वो सब सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है

चीज़ों को समझते नहीं हैं हम हर चीज़ का मतलब अपने अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं एक्चुअली में जो हमको सोसाइटी में बताया जाता है कि पर्सन विथ डिजेबलिटी एक्चुअली में क्या है पर्सन विद डिजेबलिटी सर आपको बताऊँ एक लिमिटेशन है हमारी बॉडी की ठीक है वो हमारी मेंटल भी हो सकती है और फिज़िकल भी हो सकती है मेरी फिज़िकल प्रॉब्लम है मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मुझे पता है लेकिन मैम बहुत सारे लोग जो कि फ़िज़िकली फ़िट है लेकिन वो मेंटली डिजेबल है वो मैम सोच ही नहीं पाते वो वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और जो बोली वाली जनता है उसको अपने तरीके से चीज़ों को मिस इंफॉर्मेशन के जरिए उनको पहुंचाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ करते हैं और उनके जो हक़ है या जो उनके जो अधिकार हैं जो उनको मिलने चाहिए उनसे वो वंचित रखते हैं मैं यहाँ तक आया हूँ और मैंने कई जगह बोला भी है कि हर एक व्यक्ति को अब कॉम्पटिशन में आइए या रहने दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं

मेरा पैरा ओलंपिक्स में मैराथन दौड़ने का मेरा प्लान है आ, आ, और मैं मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलता ही हूँ कैंपस में और दिल्ली के जो कोच हैं स्टेट कोच हैं वो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं तो वो जब जब भी कैंपस आते हैं तो हम लोग साथ में खेलने जाते हैं और आगे मेरा फ्यूचर में एक प्लान है मैं पैरा ओलंपिक्स में व्हीलचेयर बास्केटबॉल स्विमिंग और मैराथन इन दो तीन फील्ड्स में

आपने ही बताया है जन आपके पास आपके माँ का प्यार हमेशा रहा आपकी माँ का सपोर्ट हमेशा रहा इसी इसी तरीके से मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट हमेशा रहा प्रॉब्लम्स आई मैंने मैम प्रॉब्लम्स को सहा है लेकिन उन्होंने मेरे साथ रह के मेरे दर्द वो देखा है महसूस किया है मैं दर्द में सर से चिल्लाया हकूक मुझे हुआ है उन्होंने मुझे चिल्लाता हुआ देखकर कुछ नहीं कर पा रहे इस बात का जो दुख है वो उन्होंने ना, ना, हाँ, ना एकदम से बता सकती हूँ आसान है बच्चे को लग जाए तो समझ नहीं आता अब खरी क्या उसके दर्द को नहीं ले सकते क्या कह रहे थे आपके पेरेंट्स कि क्या आपका दर्द शायद अगर एक्स है तो उनका टू एक्स होगा अब मैम पहले ही मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में बड़ा भाई था वो भी मैंने आपको बताया था तो किसी भी माँ बाप के लिए मेरे फादर जो हैं वो भी हाई स्कूल पास ही हैं और दर्जी का काम करते हूँ तो मैम लोगों का पुराना होता है वो सिलते हैं तो उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को पालने में भविष्य बनाने में ही लगाया है और जिस समय दो में एक दो दो बड़े हादसे ऐसे हो जाएँ फिर सब कुछ ख़त्म जैसा हो जाए तो उन्होंने बहुत कुछ सहा है और मेरा बस यही मन था कि मैं उनको वो खुशी दे के जाऊँ की आप बहुत खुशियां देंगे चिंता मत करिए आपने उनका गर्व मतलब सीना जो चौड़ा किया है ना और मतलब की सफलता ना उस बात से है कि जब पापा जा रहे हो या मम्मी जा रही हो ना तो वो ये बोले अरे वो देखो सूरज के पापा जा जी बस बस पापा मम्मी का जीवन वही सफल बिल्कुल बिल्कुल है ना उसके बाद नहीं उनको कुछ चाहिए अब तो मैम जब से आपको बताऊ रिजल्ट आया है तब से उनको टाइम नहीं मिलता है घर पे नहीं रहते कहीं वो अब मैं फ़ोन करता हूँ तो बोलते अरे आज हम आगरा गए थे उनसे मिलने के लिए या इटावा गए थे उनसे मिलने के लिए आज इन लोगों ने मुझे सम्मान देने के लिए बुलाया उन लोगों ने बुलाया तो मैंने बस उनको यही बोला कि अब आप बस यही कीजिए जितना सम्मान आप ले सकते हैं उतना सम्मान लीजिए और समाज को जो अच्छा मैसेज जो आपने कड़ी मेहनत की है जो दुख सहा है बस लोगों को बताइए कि डरना नहीं है हारना नहीं है नहीं एक्चुअली अगर आपके पेरेंट्स होते ना तो मैं यहाँ पर होते तो मैं चाहती कि वो भी दे। कई बार ना सोसाइटी के दबाव में आके बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों ले ना, ले आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया तो मैं चाहूंगी वैसे ही जितने भी हमारे बच्चे हैं ना जहाँ हमें नहीं पता कौन कहा बैठा है ना, अगर उसके पेरेंट्स भी उसी तरह से उसे सपोर्ट कर दे

सर एक प्रेशर वो होता है कि टीचर देता है कल एग्ज़ाम में आपको पढ़ के आना नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे वहाँ तक तो टीचर का प्रेशर ख़त्म हो जाता है लेकिन पेरेंट्स का एक मॉरल प्रेशर रहता है वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे वो आप प्रपेशन कर रहे हैं आप पढ़ते रहिए कुछ नहीं बोलेंगे वो आएंगे आपके कंधे पर हाथ रखेंगे बोलेंगे ठीक हो बस और वो चले जाएंगे और उसके बाद सर अगर आप आपको रियल में पता है कि आप क्या कर रहे हैं आपके क्या गोल्स हैं तो आपको एक अलग प्रेशर फील हो जाएगा कि हाँ

इंसान कई बार फेल होता है है कई कई बार बार जीतता उठता है तो आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया एक बार थैंक यू कर उन्हें हाँ बिल्कुल मैम थैंक यू सो मच मैं मुझे सर हमेशा गर्व महसूस होता है कि मैं अगर सर मैं बताऊँ आपको दिल की बात बताऊँ अगर मैं भारत में नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं रहता मैं भी एक आम नागरिक हूँ जिसमें जिसका एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया लेकिन हमारे संविधान द्वारा जचित एम्स जैसे संस्थान जे जैसे संस्थान यू जैसे संस्थान जो है, आज उन्हीं की बदौलत उनमें से प्रोविजंस बने कि उन्हीं की बदौलत कि मैं जो एक आम बच्चा था जिसने अपना सब कुछ खो दिया और सिर्फ उन रास्तों पर चलकर वो मुकाम मैं, मैं, मैंने बनाया कि आज मैं मैं जिस ऊंचाई पर बैठा हूँ मुझे बोलना नहीं चाहिए मैं हिमालय से ऊंचा ऊँचा मैंने अपना वो बनाया है और खुशी इस बात की है कि वो जो इमारत मैंने बनाई है इतनी ऊंची उसमें मेरे भारत के लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो नीचे खड़े हैं उसको मजबूती से पकड़े हुए है तो मेरी इमारत गिरने वाली नहीं है मेरी इमारत ऐसी नहीं है कि एक छोटा सा ये भी एक बहुत जरूरी चीज आपने उठाई थी अक्सर ना लोग सरकार को ना वो करते रहते हैं डेमोनाइज करते रहते हैं ये कहते रहते हैं हमारे लिए क्या सरकार -क् ने हमारे लिए ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि सरकार का भी सरकार भी एक पेरेंट की तरह कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कर रही है उन्होंने जो प्रोविजंस बनाए हैं कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट देते हैं बिल्कुल नहीं बहुत ही बढ़िया अब अब अमे मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को जो तो प्रोपेशन में सर आते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं पता है अपना उनको ये नहीं पता कि हमारा पार्ट थ्री कहाँ से शुरू होता है एक्जैक्टली उनको ये नहीं पता कि पार्ट थ्री हमारा आर्टिकल थर्टीन से शुरू होता है आर्टिकल ट्वेल्व से शुरू होता है और थर्टी फाइव तक जा रहा है थर्टी सिक्स तक जा रहा है और उसमें एग्जैक्टली exactly कितने आर्टिकल है उनके पीछे की फिलोसफी क्या है आर्टिकल बहुत से बच्चे याद कर लेते हैं उनको पता है कि आर्टिकल फोर्टीन क्या है ट्वेल्व क्या है ट्वेंटी सब याद कर लेंगे लेकिन उसको समझेंगे नहीं और जब तक मैम हम समझेंगे नहीं चीज़ों को तो याद की हुई चीज़ें तो आज याद है चार दिन बाद हम भूल जाएंगे और भूल भी नहीं जाएंगे इसके अलावा हम उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे बिल्कुल यू पी का पेपर देखो मतलब मैं तो बहुत सालों से इसको ऑब्जर्व करती जा रही हूँ कि जो व्यक्ति एप्लीकेशन नहीं कर रहा है ना वो नहीं तो में, नहीं तो में, और नहीं तो इंटरव्यू मैं, मैं में था तो मुझे भी ऐसा फील होता जैसे सारे बच्चे को होता है मैं भी एक ही रहा हूँ बच्चा ही रहा हूँ मुझे भी लगता था कि इतने आर्टिकल्स क्यों पढ़ना है ये सारी चीजें क्यों पढ़नी है फिर भी मैं पढ़ता था लेकिन आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है और समझ के पढ़ना क्यों ज़रूरी है अगर मैंने सिर्फ सर याद किया होता तो आज मैं भूल जाता और कोई भी अब तो सीन ये है कि कोई भी माइक ला के लगा देता है कोई भी कुछ भी पूछ सकता है और एक अच्छे अगर आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हर किसी के सवालों का जवाब दें जो भी आपके पास आएगा चाहे वो हमारे प्रेसिडेंट सरिया मैम हो या फिर हमारे देश का वो वो व्यक्ति जिसको कुछ नहीं आता हमारी जिम्मेदारी बनती है हर किसी के सवालों का जवाब दें और एक अच्छा जवाब देने के लिए आपको अच्छी समझ होनी चाहिए अच्छी समझ अच्छे अध्ययन से आती है अच्छा अध्ययन अच्छी मेहनत से आता है तो सब लोग अपना एक रास्ता बनाएँ और उसी रास्ते को फॉलो करें अपने दिल की सुनो मैं सर सबसे यही कहता हूँ मैं सर कैंपस आया कैंपस आने के बाद में मैंने ये देखा कि मैं कहाँ फिट बैठ पा रहा हूँ मेरे लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भी मैं बन सकता हूँ और आज मैं एलिजिबल भी हूँ मेरा अपना जे रफने करना हुआ है मैं यू पी एस सी का इंटरव्यू देने देने से पहले ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया मैम थैंक यू मैम है, है न <laughs> और जॉब जो है अब चाहे मैं बैंक का मैंने ट्राई किया लेकिन मुझे लगा बैंक में मैं फिट नहीं बैठ पाऊंगा या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन के हाँ मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा सैलरी अच्छी आएगी घर अच्छा हो जाएगा शादी अच्छी हो जाएगी माँ बाप के जो भी दुख है वो सारे दूर हो जाएंगे लेकिन मैं मेरे गोल्स वो फुलफिल नहीं वो मेरे सारे गोल्स जो है वो यूपीएससी में ही मुझे दिखे और मैंने अपना टारगेट बनाया कि हाँ जे में मास्टर्स के फाइनल एग्जाम देने के बाद में सीधे लवासना ही जाना है आठ दिन के घर पर घूम के और मैम आपको बताऊँ भगवान के आशीर्वाद से जैसा जैसा मैंने अपना स्ट्रेटजी बनाया था प्लान बनाया था कि इस टाइम पे रिजल्ट आना चाहिए इस टाइम पे इंटरव्यूज होने चाहिए इस टाइम पे घर जाएंगे इस टाइम पे लवास ना जाएंगे और उसमें प्रॉपर उसी तरीके से हो रहा है क्योंकि मैम मेरी नीयत साफ़ है और मुझे अपने आप पर भरोसा है भगवान का भरोसा है माँ बाप मेरे साथ हैं मेरे दो दोस्त दो लोग सब साथ हैं और अब तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद भी साथ है तो अब तो मैम दिक्कत ही नहीं है कुछ अरे आप वो कहते हैं ना कि uh, कौन सा वो डायलॉग है कि शिद्दत से अगर आ, चाहते हैं तो हाँ, काय, पूरी कायनात अगर, तो, अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती, जाती है।, है है ना तो बिल्कुल वही कहानी है मतलब एक चीज और मैं मतलब आपकी उससे कहना चाहूंगी कि ये जो हाफ हार्टेड तैयारी मत करो हाँ करनी है तो फुल हार्टेड तैयारी करो है अगर सोच लिया तो भी सिविल सर्विस देना है

कुलाड़ी की धार को पेनी करूंगा और पेड़ को मैं दो घंटे में काट लूंगा देखो सही प्रिपरेशन इज द की हम सर जड़ जितना मजबूत बना देंगे पेड़ की मजबूती और फल उतने ही सुंदर रहेंगे बिल्कुल सही बहुत बहुत, बहुत बढ़िया चलिए थैंक यू सो मच मुझे इतनी खुशी हुई आपसे मिलकर और है ना मुझे सबसे ज्यादा चीज जो पसंद आई ना योर स्माइल थैंक यू क्योंकि देखो सफल बहुत लोग हो जाते हैं जीवन मैम है ना सफलता पैमाना एक सिलेक्शन सफलता का पैमाना नहीं होता जी बिल्कुल क्योंकि बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं मैम जिन बच्चों ने मेंस क्लियर किया है उसके बाद में जिन जिनको इंटरव्यू देना था हाँ और मैम सभी मेहनत करते हैं है। मैं 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 ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा हार्ड वर्क ज़्यादा है मैम मुझसे भी ज़्यादा लोग जो है अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको सर रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं

मेरा सोसाइटी का एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है सर मैंने पहले बाईस साल की उम्र तक नॉर्मल मैं जानता हूँ कि चलना किसे कहते हैं तो मुझे चलने का मज़ा पता है और मुझे पता है कि ना चलना किसे कहते हैं तो मुझे उसका भी पता है तो मैं तो बहुत बैलेंस रहा हूँ मैंने सोसाइटी को अलग नज़रिए से देखा है और मैं मेरा मानना है कि अगर आप अच्छा करते हो ना तो चार लोग आपकी नाम करने पर आ जाएंगे और जहाँ आपसे एक गलती हुई तो वही चार लोग आपके सामने उंगली उठा कर खड़े हो लेकिन लेकिन हमको बस यही समझना है कि चाहे उंगली उठे आपके सामने या फिर सर झुकाओ, आपको विनम्र ही रहना है आपको नॉर्मल ही रहना है और उनकी सुननी नहीं है वो अगर अच्छा कह रहे हैं आप इससे सुनो इससे निकाल दो बुरा कह रहे हैं इससे सुनो इससे निकाल आप मेहनत करेंगे तभी आप सफल होंगे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफल नहीं होंगे और आप यही सोचेंगे कि चार लोग क्या बोलेंगे तो अगर आप ही ये सोचेंगे तो चार लोग का काम आप कर रहे हैं तो आपका काम कौन करेगा तो चार लोग बोल रहे हैं चार लोग का काम है बोलना तो आप चार लोग को बोलने दीजिए आप अपना हेडफोन लगाइए अपनी किताबें खोलिए और उसमें कंटिन्यू करिए और अपनी हार्डवर्क का ना आप कोई तोड़नी है तो? और सफलता अपने आप बोलती है मैंने ये अक्सर ना कि बड़ी बड़ी बातें कोई कुछ भी कर ले लेकिन जब सफलता बोलती है और हम सफलता भी हार्डवर्क ही तो है ना। ही जो सफलता को बिल्कुल ध्वनि बनता है तो कि वो जो ध्वनि है ना जो आज आप कहीं जाएंगे तो जब आप तो सेशन लेंगे ना आप तारिया सुनेंगे ना लोग जब ऐसे कंग्रेचुलेशन करते हैं तो वो हार्डवर्क की ध्वनि है थी।, थी आज आज निकल रही है रिसेंटली मैम मैं, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया था तो सामने की तादाद में बच्चे वो सुन के तो एहसास हुआ की हाँ ये मेरी मेहनत का फल है हाँ सर हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि हम सुबह उठते हैं और ये सोचते हैं कि आज का हमारा क्या रहेगा हमको क्या क्या करना है कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और कितना पैसा कमाना है जिससे कि घर का खर्चा चल जाए या गेस्ट बच्चों की फीस चल जाए हम सब ये सब सोचते हैं हम सुबह उठ कर ये नहीं सोचते कि हे ईश्वर धन्यवाद मैं यहाँ तक आया हूँ अब मुझे नई ऊर्जा दो नई सोच दो जिससे कि मैं कुछ नया सोचूँ हमारे पास वो सोसाइटी नहीं। नहीं नहीं वो नहीं है सोसाइटी में और मैं जो लोग जो है उन्होंने अपना एक एटमोसफेयर भी ऐसा बना रखा है कि वो ऊपर सोच ही नहीं पा रहा है।, है जी, जी जिसके जी. पास जो है ना सबको वो कब लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल है ना जिसके पास जो भी है किसी के पास पैसे है तो उसको लग रहा है अरे यार मैं पैसे का ज्ञान मेरे पास अच्छे दोस्त अच्छे दोस्त हैं वो कह रहे हैं अरे दोस्त तो बहुत अच्छे पैसे नहीं है मेरे पास या मेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है तो वो जो नहीं है वाली जो स्टेटमेंट है ना वो लोगों ने इतनी बड़ी बना दी है कि जो है वो देख ही नहीं पा रहे हैं मैम मैं तो ये जानता हूँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे पास एक ही चीज़ है मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद और यही हमेशा साथ रहेगा और मेरे पास मैम कुछ भी नहीं रहेगा मैं आपको आप, रियल रियली बता रहा हूँ कि मैं हमेशा ही ऐसा ऐसा ही रहा हूँ हमेशा से और मैं आगे भी ऐसा ही रहूँगा मुझे पता है कि मेरा सर सिर्फ एक किताब है सिर्फ उसी के आगे झुकेगा और एक मूर्ति है उसके आगे झुकेगा तीसरी जगह मेरा सर कहीं झुकने वाला नहीं मूर्ति आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ <laughs> <laughs> तो नाथ, नाथ का तो मैं, मैं क्या सुन रहा उनका जो बम लहरी वाला गाना है मैं तो जनरली जब जब भी फ्री होता हूँ अपने दोस्तों के साथ में तो मेरे दोस्त भी बिल्कुल जैसे ही है बस सब लोग साथ में बैठते हैं भजन गाते हैं तालियां करते हैं तो आपको पता है। अरे <laughs> है। नहीं, ये, ये ना बहुत सारे लोग ईश्वर की एक जैसे कहते हैं ना हिम्मत देने की क्षमता को कई बार अंडर एस्टिमेट कर देते है ना कई लोग आज के बड़ा प्राइडी घूमते हैं बड़ी खुशी हुई कि आपने एक अपना साइकोलॉजिकल पिलर एक ऐसी चीज को बना रखा है कि जिसका तो कोई तोड़ी नहीं है बिल्कुल ईश्वर <laughs> क्या है हम लोग क्यों मेरा मानना है सर मैं जनरली मंदिर जाना वर्ड करता हूँ मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में बाहर रखी हुई एक पत्थर के सामने जाके मैं बैठ के अपनी बात कहूँ मुझे नहीं बोलना मैं यहाँ बैठा हूँ आँखें बंद करता हूँ और अपने ईश्वर से जिसको मैं मानता हूँ उससे जो बात करनी वो कहूंगा मुझे अपनी बात कहने के लिए किसी पत्थर के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं जाने की जरूरत नहीं आपके अंदर बिलीव होना चाहिए कि आपका ईश्वर आपके साथ है आपका ईश्वर आपके दोस्त के अंदर है जो कि अगर आपके पास प्रॉब्लम आई है तो आपके बगल में बैठ बोले कि कोई बात नहीं सुख हमने आधा आधा बांटा है दुख भी आधा आधा बांटेंगे और साथ में चल लेंगे बिल्कुल ईश्वर की कृपा रही होगी कि आपके बड़े अच्छे दोस्त बने मैं में जब मैं जब से मैं आई हूँ ना आपके दो चार दोस्त है ना कल बड़ी अंडर वैल्यू हो गई फैमिली की दोस्तों की बात करो तो लोगों को लगता अरे, है अरे पानी कैसी बातें चल रही है लेकिन ये है ना साइकोलॉजिकली बड़ा सा हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हम ग्रंथों को सब मानते हैं हम अगर हमारे समाज में अगर रामायण और महाभारत पे कोई भी कमेंट कर दे तो हम लोग जान दे देंगे कि नहीं हमारे एपिक्स पे क्यों किसी ने उंगली उठा दी लेकिन हम उनकी फिलोसफी को नहीं समझते हम दोस्ती को नहीं मानना आसान है ना राम राम मानना राम मानना बहुत मुश्किल है राम का राम का कहा मानना बहुत मुश्किल है हम लोग दोस्ती की बात करते हैं श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती के हम भजन गाते हैं लेकिन अगर हमारा दोस्त अगर सुदामा होगा तो हम उसको पास नहीं बैठाते हैं वहाँ हम उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं सर इसीलिए और मैंने ये कई जगह देखा हुआ

और फिर मैम दोस्ती अगर दोस्ती है तो दोस्ती किसी शर्त पे नहीं होती क्या आप इतने टाइम तक तो साथ रहेंगे अगर आपकी मेरा मानना है कि मेरे दोस्त हैं कल भी मेरे थे जब मेरे पास कुछ नहीं था आज भी मेरे दोस्त हैं जब मेरे पास कुछ है आगे भी मेरे वही दोस्त रहेंगे क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं वो किसी शर्तों पे नहीं बने सर नहीं वो वो सिलेक्शन के मोहताज नहीं हाँ उनको ज़रूरत नहीं है कि मैं मेरे नाम क्या कि आई लगा हो या ना लगा हो मेरे उससे मेरी दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं है

चलो आपको सवेरे दे दूँगी थैंक यू सो मच थैंक यू आपसे बात करके बहुत मजा आया ठीक और uh, मुझे लगता है कि ना बहुत सारे लोग आज इंस्पायर हो जाएंगे <laughs> जी मैम बिल्कुल, मेरे, बिल्कुल। <laughs> so हमारा उद्देश्य मैम यही है कि लोगों के चेहरे पे पर लाना सर कामयाबी का मतलब नहीं है कि एक आई बन जाना या फिर बिजनेस को ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना नंबर टॉप पे ले आना मेरा मानना है कि अगर आपकी मेहनत से

आप एक बहुत बड़े सिस्टम का पार्ट होते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि बहुत बड़ी मशीन है, जिसका आप एक छोटा सा कल पुर्जा है। उस कल पुर्जे का ठीक काम करना बहुत जरूरी है, है। अगर ईमानदारी से काम नहीं किया उसने एफिशिएंसी से काम नहीं किया तो पूरी मशीन की जो स्ट्रेंथ है ठीक नहीं, नहीं बन पाएगा लेकिन वहां पे आप अगर ये सोचें कि हम एक बड़े लेवल पे कोई चेंज ला सकते हैं सरकारी मतलब सरकारी सिस्टम में ला सकते हैं लेकिन वैसे नहीं ला सकते जैसे जब मैं सिविल सर्विसेज के अंदर अपना जॉब कर रही थी तो वहाँ पे भी कई कई सारे मौके अच्छे मिले मुझे अच्छा अच्छा काम करने के लेकिन जब मैं यू में मैंने थोड़े से इंटरव्यूज़ लिए फिर पढ़ाना स्टार्ट किया तो पढ़ाते पढ़ाते ना वो मेरे अंदर मुझे रियलाइज हो गई टीचर वाली इंस्टिंक्ट है टीचर वाली इंस्टिंक्ट क्या होती है कि बच्चा सामने दिखता है ना तो अचानक से ज्ञान बहने लगता है कि अरे यार तू ऐसे क्यों कर रहा है बच्चे नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे लिखना है ऐसे करना है वो बना तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद शायद मेरे अंदर एक पैशन है पढ़ाने का और और जो मतलब और फिर मुझे ना ये राजेंद्र नगर की में खुद भी बहुत डटके खाए हैं डटके खाए हैं मतलब बहुत स्ट्रगल किया है ना बहुत ये सब चीजें मैंने खुद पर्सनली झेली हैं दिया, नहीं हुआ तो घर वालों के तो घर वालों के सपोर्ट है। लेकिन समाज ना, कह रहा है, तो तो है।, तो है यहाँ पे आगे कुछ चेंज मत करो दूसरा ये कि अगर आपका कुछ दिख रहा है आपको खराब है तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा और पीछे से तो बुराई करने का को कोई फायदा नहीं है सिस्टम खराब है सिस्टम खराब है उसका कोई फायदा नहीं है

हाँ मैम बिल्कुल आपका मैम देखिए आपने गोल अच्छा बनाया है आपने जैसे कि पहले मुझे बताया भी आप क्या क्या, क्या, क्या इनिशिएटिव लेने वाले हैं इन फ्यूचर में मैंने भी कुछ आपको बताया आप उसको भी ऐड करने वाले हैं आपका आपका गोल अच्छा है हाँ। और मेरा भरोसा है कि आप आप तो ऑलरेडी कामयाब है हाँ। आप तो बस आगे ही जाएंगे पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है तो हमने आज तथास्तु की तरफ से तो सूरत से हमारी बात हो रही थी तो हमने जो बी एम ए के प्रोग्राम हमने स्टार्ट किए हैं उसके अंदर हमने एम ए वाले बच्चों के लिए एक सीट सूरज के स्कॉलरशिप प्रोग्राम सूरत के नाम से क्योंकि हमने सूरज इंस्पायर कर दिया तो वाई नॉट टू स्टार्ट अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन हिज नेम एक बच्चे जो भी फिजिकली डिसेबल्ड अगर हैं और अगर वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना एंड स्पेशली गर्ल्स तो उसके लिए दासक विल ऑफर फ्री एजुकेशन And Thank you. Thank you so much. Aray, आपने मुझे भी तो इंस्पायर कर दिया मेरे हाथों एक अच्छा काम हो गया हाँ बिल्कुल अभी तो मैं शुरुआत अभी तो आपका तो बहुत अच्छे काम होने हैं थैंक यू सोच थैंक यू